भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में क्या चल रहा है वो तो हम सबको पता ही है। जब से म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ है तब से ही म्यांमार में आज तक म्यांमार आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिलते हैं। हालांकि जितने अग्रेसिव तरीके से म्यांमार के लोग आर्मी के खिलाफ स्टार्टिंग में सड़कों पर उतरे थे उतने अग्रेसिव अभी नहीं है। डेमोक्रेसी वापस आने की फिलहाल तो कोई भी आसार नहीं लग रहे हैं। और रिसेंटली म्यांमार आर्मी ने ऐलान किया था कि वो म्यांमार के अंदर इलेक्शंस साल 2023 के अगस्त महीने के अंदर जाकर करवाएंगे, तब तक वहां पर आर्मी रूल ही रहेगा। लेकिन यहां पर भारत बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें म्यांमार में डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। म्यांमार के कई सारे लोगों ने भी इंडिया से गुहार लगाई थी कि जिस तरह से भारत ने 1971 में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर आम बंगाली लोगों की मदद की थी, सेम उसी तरह से भारत म्यांमार आर्मी के खिलाफ जाकर उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन का प्रेशर डाले और म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस से लाने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज में एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर कार्रवाई के लिए म्यांमार आर्मी का साथ और मदद लगातार चाहिए, जिसके चलते हमने अभी तक म्यांमार आर्मी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। उल्टा भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर जाकर म्यांमार आर्मी को सैंक्शन से बचा रहा है। चाइना और रशिया के साथ मिलकर म्यांमार के मिलिट्री रूल को अभी तक हमने कंडेम्ड भी नहीं किया है। भारत की तरफ से म्यांमार आर्मी को हथियारों की सप्लाई अभी भी जारी है। रिसेंटली हमने म्यांमार को कोविड-19 की वैक्सीन भी दी। हालांकि ये बात भी सच है कि म्यांमार आर्मी भी इंडिया और इंडियन आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। रिसेंटली उन्होंने हमें 5 टेररिस्ट भी हैंडओवर किए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को सपोर्ट करने के चक्कर में भारत ने म्यांमार आर्मी के सामने कुछ ऐसी मांग रखी है जिसको पूरा करने से म्यांमार आर्मी ने साफ मना कर दिया है। दरअसल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब म्यांमार के 2 दिन के दौरे पर गए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने म्यांमार की रेड क्रॉस सोसाइटी को 10 लाख कोविड-19 की वैक्सीन भी डोनेट की थी। इसके साथ ही म्यांमार में तख्तापलट करने वाले जनरल मिन ऑंग ह्लैंग के साथ हर्षवर्धन श्रृंगला साहब की एक मीटिंग भी शेड्यूल की गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भारत की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने म्यांमार में जाकर म्यांमार आर्मी के सामने ये कह दिया कि भारत म्यांमार के अंदर जल्द से जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर होते हुए देखना चाहता है, यानी म्यांमार आर्मी जल्द से जल्द मिलिट्री रूल को खत्म कर दे। इसके साथ ही उन्होंने म्यांमार आर्मी के सामने ये भी बोला कि भारत चाहता है कि म्यांमार आर्मी पॉलिटिकल डिटेनिस और प्रिजनर्स को जेलों से जल्द रिलीज कर दे और वायलेंस को खत्म करके डायलॉग प्रोसेस को शुरू करे। हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने ये भी कहा कि इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बातचीत भी कर सकता है। यानी हमने म्यांमार आर्मी को ऑफर दिया कि भारत इंटरवीन करके डायलॉग प्रोसेस में मदद भी कर सकता है। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से म्यांमार आर्मी के सामने एक ऐसी मांग रख दी जिसको पूरा करने से म्यांमार आर्मी ने उसी समय साफ मना कर दिया। दरअसल इंडिया ने मांग रखी थी कि वो म्यांमार की डेमोक्रेसी आइकन और नोबेल प्राइज विनर ऑंग सैन सू की के साथ भी एक मीटिंग करना चाहते हैं, जिनको म्यांमार आर्मी ने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन म्यांमार आर्मी ने भारत की ये डिमांड पूरी करने से डायरेक्ट मना कर दिया। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को म्यांमार में डेमोक्रेसी को वापस से लाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, या फिर म्यांमार के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करते हुए जब तक म्यांमार में डेमोक्रेसी ना आ जाती है तब तक म्यांमार आर्मी के साथ ही कोऑपरेट करना चाहिए, जिस तरह से आज की डेट में चाइना कर रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।